नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर द्वारा विश्व ORS सप्ताह मनाया गया। आज मरियमपुर हाई स्कूल डबल पुलिया में पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता एवं कठपुतली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के लगभग 650 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉक्टर JK गुप्ता, अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग भारती, सचिव डॉक्टर सुबोध वाजपेयी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित सिंह गौर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर JK गुप्ता ने बच्चों को डायरिया से बचाव हेतु बताया कि भोजन से पहले शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, दस्त होने पर WHO ORS का घोल ही पीना चाहिए व ग्लूकोज नहीं पीना चाहिए। भारतीय बाल रोग अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग भारती ने डायरिया से बचाव के लिए निम्न उपाय बताए। पहला, बाजार के कटे फल व खुली मिठाइयों को नहीं खाना चाहिए। दूसरा, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, छोटे बच्चों को बोतल से दूध नहीं देना चाहिए। सचिव डॉक्टर सुबोध वाजपेयी ने बच्चों को ORS बनाने की सही विधि बताई। छोटे पैकेट एक ग्लास पानी में व बड़ा पैकेट एक लीटर पानी में एक बार में ही बनाए। कार्यक्रम में प्रतियोगिता का परिणाम निम्न रहा। पोस्टर स्लोगन प्रथम एकिता कश्यप कक्षा 9, प्रथम मानसी कक्षा 6, द्वितीय रिंकी गौड़ कक्षा 9, द्वितीय कीर्ति गौतम कक्षा 10, तृतीय रुद्रराज कक्षा 9, तृतीय मयूरी कश्यप कक्षा 10। कार्यक्रम के अंत में अकादमी सचिव डॉक्टर सुबोध वाजपेयी ने मरियमपुर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य व स्कूल शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया। भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर का सन 2022 का अध्यक्ष हूँ और IP जो है वो हर साल में जुलाई के आखिरी सप्ताह को डायरिया ORS वीक के रूप में बनाती है और जो 29 जुलाई है उसको हम लोग वर्ल्ड ORS डे के रूप में बनाना होता है। ये WHO और यूनिसेफ से भी अप्रूव्ड है। तो रीज़न ये है कि डायरिया अभी भी जो है वो मेजर किलर है। पूरी दुनिया में करीब 5 से 8 लाख बच्चे डायरिया की वजह से हर साल मौत के मुँह में जाते हैं और डायरिया से मरने वाले हर बच्चे में चौथा बच्चा जो होता है वो UP का होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से अधिकांश मौतों को ठीक समय पर ORS का इस्तेमाल करके रोका जा सकता है। ORS को हम लोग वंडर ड्रग मानते हैं और इस समय हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ORS और जिंक की जोड़ी नंबर 1। अब तक हम लोग केवल ORS की बात करते थे, इस बार हम लोग ORS के संग में जिंक की भी बात करते हैं। ORS एक तरह से 20वीं शताब्दी का डायरिया के मामले में एक बेहतरीन आविष्कार है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही सस्ता है, घर पर ही रखकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और 60% तक बच्चों का निर्जलीकरण जो है वो घर पर ही रोका जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि 40 से 50% तक एडमिशन जो अस्पताल में होते हैं वो रुक जाते हैं अगर माताएं सही समय पर पहले दस्त के साथ ही ORS का प्रयोग घर से ही करना आरंभ करें। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो और हैं, जैसे हाथ धोना, साफ़ पानी वगैरह वगैरह, लेकिन इस हम लोगों का फोकस जो है वो ORS पर है और जिंक पर है इस वक्त।